नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्कार दीदी। आज मैं आप लोगों के लिए कबीरदास जी का एक नया दोहा लाई हूँ, जो हमें हमारे आसपास के अच्छे बुरे की सीख देता है। हम पहले दोहा सुनेंगे, फिर उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आप सब उस दोहे को याद करना। ठीक है दीदी। यह दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलेया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया में हर जगह बुराई ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें कहीं भी बुराई नहीं दिखी। हर कोई अपनी जगह ठीक ही जान पड़ता है, मगर जब उन्होंने अपने दिल को खोजा तो लगा कि सारी बुराई तो खुद उनमें ही छुपी है। हैं? मतलब कबीरदास जी का दिल बुरा है? अरे नहीं, इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी हमें उनके अंदर छिपी एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहते हैं, जो असल में सारी बुराइयों की जड़ है, और वह है हमेशा दूसरों में गलती खोजने की आदत, पर खुद की गलती को कभी न देखना। ओ, अब समझा। पर क्या हुआ, कोई उलझन? दीदी, ऐसे तो हमेशा नहीं हो सकता ना कि सामने वाला इंसान बुरा हो ही ना, या उसकी कभी गलती हो ही ना, हमेशा ही हम गलत हों। और यदि सभी लोग ऐसे सोचने लग गए कि गलती उनकी खुद की ही है, तो ऐसे तो सारे ही इंसान गलत हो जाएंगे और सारे ही इंसान सही भी हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? बात तो सही कह रहे हो तुम भी, पर मुझे लगता है यह दोहा जो है हमसे कुछ और ही कहना चाहता है। मतलब समझाइए ना दीदी। अच्छा चलो, सोचो कि तुम्हें अपने घर की किसी दीवार पे कोई चित्र चिपकाना है, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा कोई दोस्त बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, तो तुम उससे कहते हो कि वह तुम्हारे लिए एक चित्र बना दे और कुछ दिन में पूरा करके तुम्हें दे दे, और वे तुम्हें हाँ भी कर देता है। फिर दीदी? फिर जब वह तय दिन आता है तो तुम अपने दोस्त के घर पहुंच जाते हो चित्र लेने। तुम बहुत खुशी खुशी उसके पास जाते हो, चित्र मांगते हो, और तुम्हें पता पड़ता है कि उसने वह चित्र पूरा ही नहीं किया है अभी तक, क्योंकि उसके रंग बीच में खत्म हो गए थे। ओह, तो फिर तो ऐसी स्थिति में गलती मेरे दोस्त की हुई ना दीदी। मैंने उस पर भरोसा किया था। अगर वह चित्र पूरा नहीं कर पा रहा था तो उसने मुझे बताना चाहिए था ना। अगर कह देता तो मैं उसके घर न जाता, मैं कोई और उपाय निकाल लेता। हाँ ये भी सही है, पर इस स्थिति में गलती तुम्हारी भी उतनी ही है। वह चित्र तुम्हें चाहिए था अपने काम के लिए, इसमें तुम्हारे दोस्त का कोई फायदा नहीं था, वह तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। हाँ। फिर उस चित्र के बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारा दोस्त ही क्यों उठाए, तुम भी तो उसमें शामिल हो ना। अगर तुम उस चित्र के न बनने पर कोई उपाय निकाल सकते थे तो तुमने वह उपाय पहले ही क्यों नहीं किया? बात तो सही है दीदी, पर वह दोस्त उस काम को अच्छे से कर सकता था ना, इसीलिए तो उसे दिया था वो काम। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो काम वो नहीं कर पाया किसी कारण से, तो मैं उससे रूठूं या उसमें दोष खोजूं। सही कहा। बस तो यह दोहा भी हमसे यही कहना चाहता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी काम के बिगड़ने में गलती किसी और व्यक्ति की तो होती है, पर उसका यह मतलब नहीं होता कि उस गलती के लिए वह इंसान ही पूरी तरह जिम्मेदार हो। कुछ गलती तो हमारी भी हो जाती है, मगर ज्यादातर ऐसी स्थिति में हम लोग अपनी गलती को नजरअंदाज करते हैं और सारा दोष दूसरों पर डाल देते हैं। यही सबसे बड़ी बुराई है जिसके बारे में कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं। हाँ, अब समझ आ रहा है मेरे दीदी। ऐसा तो हम अक्सर ही करते हैं कि अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो बाहर वालों को, परिस्थिति को, समाज को, हर किसी को दोषी ठहराए, पर खुद में कभी झांके ही नहीं। एकदम सही कहा, ये दोहे उसी के लिए तो होते हैं। इन दोहों में हमें एक बेहतर इंसान बनाने के फॉर्मूले छिपे होते हैं, सरल तरीके से। समझ गया दीदी। तो चलो अब ये फॉर्मूला यानी ये दोहा याद कर लो, दोहराओ मेरे साथ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। बहुत बढ़िया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। याद हो गया फॉर्मूला। बढ़िया, तो आज के लिए बस इतना ही। अपने इस फॉर्मूले को याद रखना। चलती हूँ, अगली बार फिर मिलूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी।